वाले के पास फोन कर दिया क्या? घर पे कल से आटा नहीं है। हाँ फोन तो किया था, लाइट डिम है, 2 दिन के बाद आटा मिले। ऐसा है जी, शाम तक मेरे दीदी और जीजा जी आने वाले हैं और घर पे आटा नहीं है। अगर वो शाम से पहले आ गए तो हम क्या करेंगे? ओहो बेल बजी है, लगता है आ गए। ओ दीदी कैसी हो? नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। अनु मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए चाय लेके आती हूँ। क्या बात जीजा जी, कुछ झगड़े की आवाज सुनाई दे रही थी। झगड़ों में तो और क्या करो अनु, तुम्हें पता है घर में 3 दिन से आटा नहीं है। आपको माधव आटा चक्की के बारे में नहीं पता? माधव आटा चक्की? जी हाँ। आपको इसकी खासियत के बारे में नहीं पता? माधव आटा चक्की, ऐसी क्या खास बात है इस चक्की में? चलो हमें भी दिलाओ माधव आटा चक्की। तो चलो। बलजीत जी आप इन्हें माधव आटा चक्की की खासियत बताइए। माधव आटा चक्की में पहली बात तो बिजली का खर्च ही नहीं है। पौना यूनिट 1 घंटे का खर्च और 1 घंटे में 10 से 12 किलो की पिसाई करेगी। आटे को दोबारा छानने की जरूरत नहीं पड़ती। गेट खोल दोगे आपकी चक्की ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। लाइट कम ज्यादा है कि इसमें सेंसर सिस्टम लगा हुआ, आपकी चक्की तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, मोटर जलेगी नहीं। दरवाजा खोलने के बाद अगर कोई बच्चा छेड़ता आपकी चक्की में कोई करंट नहीं आएगा, ऑटोमेटिक चलती मोटर बंद हो जाएगी। इसके पास बैठने की जरूरत नहीं, आप कनक डालिए और अपना काम करते रहिए। पीसने के बाद म्यूजिक आएगा, आप अपना आटा निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं। मैडम जी देखिए इसमें कनक डले, ये चले नहीं गई। लाइट बटन दबाने बाद इसमें म्यूजिक आता रहेगा, म्यूजिक आने के बाद इसमें कनक डालो तो उसी के बाद चलेगी, कनक डालने से पहले ये नहीं चलेगी। और आटा कहाँ से निकाले? आटा मैडम ये खोलेंगे डोर, ये खोलने के बाद इसमें आपका आटा होगा पिसा हुआ, और हाथ से सिर्फ रोल करते, इसमें पत्थर नहीं होता, ये इसकी पिसाई करते हैं मैडम, और जितना भी पतला बारीक चाहिए वो ये छाननी अपने चेंज करिए, वैसा आटा मिलेगा, इसमें छिलका नहीं मिलता। तो लाओ पैसे, चक्की खरीदते हैं। लाओ पैसे। तो सर तो ये माधव चक्की अब हमारी हुई। तो रोटी का स्वाद अलग लग रहा है। बेटा ये तो माधव आटा चक्की का कमाल है। रोटी का लेना हो स्वाद तो माधव आटा चक्की को रखना याद।